दोस्तों आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो व्लॉग है ये कोई स्पेसिफिक जगह के नहीं, हम तीन चार जगह की वीडियो के अंदर दिखा देंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है बेसिकली राजस्थान का है। हम लोग दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, हमारे एक दोस्त का पेपर है, तो हम लोग जब तक वो पेपर देगा हम लोग राजस्थान घूमेंगे एंड देन उसके बाद उसके साथ भी जाएंगे, फिर राजस्थान जाएंगे। पहले हमें राजस्थान में कौन से जाना है एंड देन टोंक जाना है एंड देन उसके बाद जयपुर जाएंगे। जयपुर में आमेर का किला और हवा महल है, वो दोनों देखेंगे एंड देन उसके बाद घर। तो ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर से शुरू कर दिया, तुम लोग शुरू से शुरू करो वीडियो, पहले वो सब देखता हूँ। So, कहाँ उतर गए हम? कहाँ उतरे हैं हम लोग उतरे टोंक। टोंक उतरे हैं, यहाँ से जयपुर जाना है, मतलब पेपर देंगे फिर जयपुर जाएंगे, फिर वहाँ से वीडियो, असली वीडियो वहाँ से शुरू होगी। तब तक के लिए वेट करो, तब तक वादियाँ देख लो और टोंक का किला विला जो भी। लास्ट में हम लोग यहाँ से जयपुर 98 किलोमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 100 ही लगा लो, और हम ये पहाड़ पे चढ़ेंगे पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास 2-3 घंटे का टाइम है, हमारा दोस्त अभी एग्ज़ाम लिखेगा, तो तब तक हम खाली बैठे हैं, तो इस पहाड़ पे चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ से। बहुत लोग बता रहे हैं कि व्यू काफ़ी अच्छा आ सकता है, तो वो देखेंगे कि व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो टाइम है तो चलते हैं एंड वहाँ पर देखते हैं कैसे कैसा है, तो लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग कौंट में राजस्थान के इस टाइम एंड यहाँ पे हम पेपर देने आए हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक पहाड़ देगा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे चढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग जयपुर जाएंगे, जयपुर में देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे वैसे हवा महल और आमेर का किला देखना है। सो बट अभी हम इस पहाड़ पे जा रहे हैं जो हमने, आपने अभी जस्ट इससे पहले देखा होगा, ये पहाड़ का जो व्यू है उस पहाड़ पर हम लोग चढ़ रहे हैं, वहाँ से देखेंगे कैसा दिखता है। तो तब तक दोस्तों ये यहाँ का व्यू पहाड़ से, बहुत ज्यादा ऑसम व्यू आ रहा है। अमन कहाँ से आई? हाँ भाई अमन तो बहुत है, अमन देख रही बहुत है, अमन ने उस वाले पे जाना है उस पे, बट यहाँ से रास्ता कैसे है अभी पता नहीं, बट यहाँ से बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, हुआ ना फ्रंट में ये। तो हमारा एक दोस्त है वो उस वो छोटा उधर ही कहीं एक स्कूल है, वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा है, तो एग्ज़ाम दे रहे जाती लोग ज़्यादा मौसम है। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ज़्यादा ऊपर टॉप पे जाने की कोशिश करेंगे जितना जा सकते हैं, वहाँ से और ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, इतनी ज़्यादा ऊपर है इस टाइम पे, वहाँ पे भी जाना है बट वहाँ का रास्ता है नहीं, थोड़ा मुश्किल है, जूते हमारे उस हिसाब से है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, ये जो चट्टान है इन पर बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे हमारे जूते। हाँ तो यार ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, इसी के लिए आया था क्योंकि मैंने जब आते ही देख लिया था ना ये फोर्ट, तो मैंने मतलब ये जो भी क्या बोलते हैं इसे, हाँ माउंटेन, मैंने जैसी जब मैं टोंग उतरा था ना तभी मैंने माउंटेन देख लिया था और मैंने बोल दिया था इनका शुक्ला हम इस माउंटेन पे चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, तो फिर हाँ इसे मिनी पीक कह सकते हैं क्योंकि इसकी असली पीक तो वहाँ है, बट वहाँ का रास्ता है नहीं है, लेकिन ना है और वो शायद उस साइड से है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि उस साइड से भी है, तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? वहाँ जाएंगे ज़्यादा मज़ा आएगा,
रास्ता मुश्किल है लेकिन मजा बहुत आया। लेकिन जूते हैं उस हिसाब से? अब जूते तो नहीं लेकिन खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। नहीं इतना खतरा भी मत लो, अभी आगे की वीडियो पड़ी है। तो जब हम नीचे जहद के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमने निर्णय लिया है कि अब हम ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि हमें नीचे भी जाना है 1 बजे तक, उसको पिकअप भी करना है एंड देन उसके बाद आगे की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि ऊपर जाने में खतरा भी थोड़ा बहुत है, तो उससे भी डर कर नहीं जा रहे। खतरा काफ़ी भयंकर है, बता नहीं सकते क्या खतरा है लेकिन खतरा है। तो इस वजह से ही सोचा कि क्यों यार खतरा लें जब टाइम वैसे ही ख़राब चल रहा है और हमें कहीं और भी जाना है। हाँ तो हमें उसको पूरी जर्नी को एंजॉय करना है। अच्छी जगह है। तो आई होप आपको ये व्यू अच्छा लगा होगा। ये कोई वीडियो का पार्ट मतलब था, ऐसा कोई सोच के नहीं आया था कि इसको बनाना है, बट ये दिखा तो बना दिया और अच्छा हुआ बना दिया क्योंकि बहुत सही लग रहा है। अगर आप टोंग में कभी भी आओ तो ये माउंटेन आपको ऊपर ही वहीं दिख जाएगा। और इसे पूछ लेना रास्ता ऊपर आना, ऊपर आके कम से कम 1 घंटा बैठना, इतना मस्त व्यू है ना, इतना मज़ा आएगा तुमको, है ना शिमला? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मज़ा तो वहाँ से आएगा जहाँ हम जा नहीं रहे हैं, वहाँ तो और मज़ा आएगा। लेकिन जब भी यहाँ आना हमसे पूछ लेना खतरा क्या है। हाँ कॉन्टेक्ट कर लेना कि खतरा क्या, हम लोग को आपको खतरा बता देंगे, फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जाना है या नहीं जाना। तो हमें परवीन तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, काफ़ी ज़्यादा, बहुत दिनों से पीस को ढूंढ रहा था मैं। अच्छा तो काफ़ी ज़्यादा पीस मिल रही है। तो क्या आप दूसरे लोगों को कहेंगे कि यहाँ आने के लिए? बिल्कुल यार, मैं तो तेरे को लेके आया, मैं 2-4 कॉल लेके आने वाला था। ऐसे क्या खासियत लगी कि आप लोगों को बोलेंगे कि हाँ आइए? काफ़ी ज़्यादा यू नो व्यू भी अच्छा है, दूसरी बात यहाँ पे शांति भी है, दूसरी बात खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, लोग ये नहीं करते हैं। अच्छा बस और क्या, यहाँ का मौसम भी अच्छा है, एयर क्वालिटी भी अच्छी है, दिल्ली से तो अच्छी है। हाँ नहीं दिल्ली से तो बहुत अच्छी है, दिल्ली से तो अच्छी है, प्लस यार दिल्ली में पहाड़ वहाड़ भी नहीं है तो इतना ज़्यादा पहाड़ पे घूमे भी नहीं है, तो उसका भी एक्सपीरियंस मिल रहा है थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा सा ही चढ़ा है पर मिला है। अभी जाएंगे हिमाचल उत्तराखंड तो। अच्छा परवीन भाई, यहाँ के कुछ लोकल्स बता रहे थे कि वहाँ कुछ खतरा है वहाँ जाने में, तो क्या दिक्कत आ रही है वहाँ की जो वहाँ नहीं जा रहे आप? खतरा एक्चुअली ये है कि वहाँ के जो यहाँ पे कुछ जो चट्टान है वो थोड़ी ढीली है, मतलब ज़्यादा रेतीला है तो वो फिसल भी सकता है। दूसरी बात यहाँ पे थोड़े से कुछ अरे जानवर वानवर से भी हैं, उनसे भी थोड़ा डेंजर है, तो ये भी डेंजर है, दो तीन चीज़ें। और यही है कि अब तक बहुत कम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं ऊपर जाने का, तो और हमारे शूज़ भी उस क्वालिटी के नहीं है कि हम लोग जाएँ वहाँ तक। अच्छा तो लास्ट सवाल, आप 10 में से कितने रेटिंग देंगे इस प्लेस को? मैं 10 में से 8 दूंगा। 10 में से 8? अच्छा दो क्यों नहीं दिया? दो इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने वहाँ का और अच्छा कर देते ना थोड़ा सा, मेरे को तो वहाँ का थोड़ा सा और अच्छा कर देते ना, थोड़े से और बना देते जगह ऊपर जाने के, तो 10 में से 10 होता क्योंकि मेरे को पूरा व्यू देखना है यार। वैसे ये भी ठीक है, इतना भी वो नहीं है लेकिन हाँ मतलब ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, ऐसे काफ़ी ऊँचाई से घर ना काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे घर छोटे छोटे से हैं, हमारे से ऊपर सबके घर हैं, काफ़ी कम टाइम होता है, बहुत एरिया दिख रहा है। वो जो सामने वो सीआरपी ग्राउंड है वहाँ पे रनिंग हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, 400 मीटर चक्कर 1600 मीटर। बाकी यार यहाँ पे दूसरी बात फ़ोटो शूट भी बहुत अच्छे होते हैं, वीडियो भी बहुत अच्छी बनती है, अभी हमने बनाई है, हमने इंस्टाग्राम पर डालने वाले हैं, तो आई होप कल परसों में डल जाएगी, जब भी ये वीडियो डलेगी उसके बाद ही डलेगी, तो यही है बस। आओ कभी बैठो उससे बातें करो, मौज करो, हम सब जयपुर में मिलते हैं।
पहाड़ से नीचे नीचे खाना वाना खा लिया है। यहाँ से अब जयपुर का सफ़र करना है, यहाँ से 100 किलोमीटर है टोंक से जयपुर। तो अब 100 किलोमीटर के लिए देखते हैं क्या हमें ट्रांसपोर्ट के लिए मिलता है, फिर हम वहाँ से जयपुर चलेंगे, फिर आमेर या हवा महल या फिर दोनों, या तो एक जगह पक्का ही जाना है। रात को रात की ट्रेन है तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए या तो दोनों जगह जाएंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो एक तो पक्का ही है। तो दोस्तों हम लोग हवा महल के अंदर चले गए हैं, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ले लिया हवा महल के अंदर। हम जिस फोर्ट पे गए थे वो फोर्ट तो मतलब उसकी एंट्री ही नहीं हो रही थी, 5:30 के बाद एंट्री बंद थी। तो अभी हम हवा महल में, यहाँ से देखते हैं क्या क्या है। ये टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट जल्दी टिकट ले गया, ऑनलाइन हो रही तो ऑनलाइन ले ले। सो गाइस ये हवा महल है, आखिरकार हमने एंट्री ले ली। अभी कुछ कंफर्म नहीं एंट्री का यार, देखो और क्या ऑनलाइन या कर रहा हूँ। तो ये यहाँ का हेरिटेज सेंटर है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये है टिकट घर, हम बाद में टिकट ले लिया है, टिकट ये रही 50 रुपये पर पर्सन हवा महल की। एंड सुबह हम अंदर जा रहे हैं, हम देखेंगे कैसे कैसे क्या हो क्या होता है। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो ये आपका हवा महल, यहाँ से एंट्री ले ली है। एंड अब अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है, ऊपर पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो शुक्ला जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई आज हमारी, क्योंकि हम जिस क्योंकि वहाँ का जो टाइम था वो बंद हो गया। तो ये रहा आपका हवा महल, यहाँ पे ये कुछ रेन वेन सा हो रहा है। हवा महल के अंदर हैं हम लोग, और ये रहा हवा महल। एंड यहाँ पे कुछ झरना वरना सा हो रहा है,
हमें वो जो फोर्ट था वहाँ पे भी जाना था अम्बेडकर फोर्ट में, बट उसकी जो टाइमिंग थी ना वो 5:30 पे क्लोज हो जाता तो हम लोग पहुँच नहीं पाते। तो अब इस वीडियो में सिर्फ हवा महल की वीडियो है और जो फोर्ट की थी वो जो हमने माउंटेन की थी वो है और ये वाली है। तो सॉरी फॉर, बट हमें पता नहीं था कि यार वो 5:30 बजे बंद हो जाएगा अमेर फोर्ट, बट अब बंद हो गया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी ये खुला है तो इसको घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है। क्या भाग रहा है तो वीडियो मत लियो बनना। हाँ ठीक है, वीडियो नहीं लेंगे तो अब इसके अंदर चलते हैं ना। नहीं कुछ तो है होगा इसके अंदर, क्या है दोस्तों। अरे इतनी बढ़िया जगह है यार, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे गए तो क्या है यहाँ पे, कहाँ झांकते हैं, कहाँ झांकते हैं, यहाँ से बाहर को झांकते हैं क्यों? नहीं। अबे तो वही है जहाँ से हमने एंट्री करी है, बाहर से झांकते हुए क्या फायदा। वो तो ये है हवा महल का कुछ तो है यार, ये जब आप एंट्री लोगे ना तो सबसे पहले यही आ रहा है, मतलब हॉल के बाद आप इसमें कमरे में आओगे। ये है क्या पता नहीं है, क्या देख रहा है तू, क्या दिख दे हो क्या, ये क्या है मतलब, क्या दिख, कुछ दिख रहा है इसमें, क्या कुछ दिख रहा है, बाहर लोग आ जा रहे हैं भाई। वाह, अरे दिमाग हो तो आपके जैसा हो सर, ऐसा लिखा है शायद। ओके सो अब ऊपर चलते हैं एंड ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या है वहाँ पे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट ठीक है यार, वहाँ पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक ये वाला ब्लॉग भी देखते हैं, अभी हमने ये वाला ब्लॉग देखा, अब हम इस वाले ब्लॉक में चलते हैं। आ रहा हूँ एक सेकेंड भैया। तो ये ब्लॉक कुछ यहाँ से शुरू है और वहाँ तक जाता है, जैसे यहाँ पे उतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। एक ये है कुछ कलरफुल, ये कलरफुल दरवाजा है, कल तेरी पड़ गया। ऐसा है यार ऊपर आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऊपर आगे, ऑलमोस्ट हमने अपनी होप खो दी थी है ना शुक्ला, हमने ना ऑलमोस्ट अपनी पूरी होप खो दी थी कि हम लोग हवा महल आ भी पाएंगे, क्योंकि हमें भी गलती हमारी थी, हमारी थी, हमें पता नहीं था कि 5 बजे सब बंद हो जाता है। हाँ हम लोग बहुत रिलैक्स होकर आ रहे थे, हमें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि 5 बजे में मतलब जितने भी ये फोर्ट्स होते हैं यहाँ जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं वो 5 बजे के बाद बंद होने लग जाते हैं, इवन दिल्ली में भी होती है, बट हमें इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी यहाँ पे। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे, बट स्टिल हमने एक को ड्रॉप कर दिया, अजमेर फॉल्स को ड्रॉप कर दिया फोर्ट को, और हवा महल को चुना क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लोकेशन के पास था है ना। तो कुछ ऐसा सा है ये, यहाँ से अभी तो हमें और टॉप पे जाना है, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा टॉप पे गए हैं, सुबह पहाड़ों पे भी टॉप पे गए थे, वहाँ से भी व्यू देखा, अब यहाँ से भी टॉप पे जाना है। उस गेट से एंट्री थी, वहाँ से इस साइड से कहीं से हम निकल के आए थे, हमने पूरा राउंड लिया और यहाँ तक आ गए। अब यहाँ के बाद और भी ऊपर एंट्रीज हैं, और भी ऊपर जाएंगे। चलिए शुक्ला जी, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। एक पल को तो रो रहे थे आप। बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इधर आँख से आँसू नहीं आए, इधर आँख से आँसू गया था। बस आँख से आँसू नहीं आए थे। इधर ही है, इधर ही है। इधर का है? अरे इधर तो फोटो शूट चल रहा है। वो 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 काफी बड़ा है यार ये। इधर का है? अबे वो कहाँ गया, मैंने खो गया क्या वो? ओ भाई ये तो भूल भुलैया सी है कुछ,
तो उधर पुलिस पुलिस वाले घूम रहे भाई, भगावा तो नहीं। यहाँ पे क्या है? कोई तो नहीं। यहाँ पे बैड बैड लेके चलता हूँ और फिर उसके बाद नीचे आएंगे हम बाद में। यही था ऊपर चल रहे हैं। फैजान ने भाई कहां गए? ऊपर ही चल रहे हैं, ऊपर ज्यादा मजा आएगा वहां जब टॉप पे जाएंगे तो। और वैसे यहां पे भीड़ बहुत ज्यादा आई हुई है भाई, इधर से रास्ता है। महल फ्लोर से नज़ारा है नीचे का, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई हुई है। चलिए जी शुक्ला ऊपर चलें, इधर सही है ना रास्ता? अब भैया कैमरामैन बना है तो फर्ज बनता है कि अच्छे से। अरे बिल्कुल तुम दबुना तना नहीं बनाएंगे। अच्छा पता है जब हम छोटे थे तो हम लोगों को ये लगता था कि जो हवा महल है ना वो हवा में, इसलिए इसका नाम हवा महल है। पर आज आके जब देखा तो मतलब पता तो पहले चल गया था कि ऐसा हो नहीं सकता, बट आज आके देखा तो यहाँ पे मैंने देखा है ना कि बहुत सारी जो विंडोज़ बना रखी हैं, हर दीवार पे हर कोने पे विंडोज़ बना रखी हैं, तो शायद इसी वजह से इसको हवा महल कहते हैं। आई डोंट नो, शायद ये हो सकता है, मे बी ये रीज़न हो सकता है, बट मेरे को तो यही लग रहा है। बाकी ये हवा में नहीं है भाई, ज़मीन पर ही है ये। तो गाइस हम जाने वाले यहाँ थे, ये जो फोर्ट है, बट भाई इधर कर लिया भाई क्या इसका सीन ये हुआ, इस फोर्ट का सीन ये हुआ कि ये 5:30 बजे क्लोज हो जाता है तो हम लोग पहुँच ही नहीं पाए टाइम से। तो दूर है यहाँ से काफ़ी, और ये क्या व्यू है। नीचे का जहाँ से हम आए थे वो झरना गिर रहा है वहाँ नीचे, यहाँ से
ये जो सन है ये इसके इस रेज में इतनी अच्छी फोटो आने वाली है ना, क्या बताऊँ भाई। शुक्ला वहाँ जाके खड़ा हो जाओ जहाँ ये व्हाइट वाले भाई खड़े, इतनी तकड़ी फोटो आएगी ना, इतनी तकड़ी। पक्का ऑसम। कहाँ है तेरा भैया गांगा? तो ये कुछ हिसाब से चल रहा है, यहाँ से व्यू देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऑसम है। बट यार हमें उस शॉट पे जाना था यार, वो शॉट इस वीडियो में दिख रहा होगा तुम्हें, मैं दिखाता हूँ। वो जो है ना वो यहाँ से थोड़ा पास लग रहा है बट है थोड़ा दूर, और वो ना 5:30 बजे क्लोज हो जाएगा, तो इस वजह से हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। ये कुछ गुम्मत सा यार, बट ये जो व्यू है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह से मैं टॉप पे ही हूँ, ये रोड बन गई है, लाल लाल मकान दिख रहे ना, ये रोड है, सीधे जाएंगे टावर क्रॉस करते हुए चौराहे से आप राइट वाली रोड पकड़ेंगे, आगे चलेंगे। ये भाई यहाँ की मार्केट है, अरे ना मैं खिड़की में से देख रहा हूँ तो इस खिड़की से भी आ रहा बहुत अच्छा। और ऑसम देख रहा कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, क्वालिटी देख, क्वालिटी कैम देगी। सारे डर लग रहा है उधर से भी, पर मरेंगे नहीं, अमर हैं अभी। तो अब हम नीचे जा रहे हैं और हम लोग काफ़ी ना भूल भुलैया सी में ऊपर से आ गए, और अब हम नीचे जाके देखते हैं और क्या क्या है यहाँ से भी। हाँ इधर ही चलेंगे, ओपी सर ये यार वो फॉल्ट जब जब दिख रहा है ना यार, यहाँ एक फोटो ना खींचा फिर क्या खींचेंगे, क्या ही व्यू है, मतलब क्या ही व्यू आ रहा है। देख रहे हो आप कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, और मॉर्निंग।
यार एक चीज तो है भाई, यहाँ की जो एयर क्वालिटी है ना भाई बहुत तगड़ी है यार। देख लो कितनी भी दूर तक देख लो, एक जरा हर चीज दिखेगी, मतलब दूर से दूर तक हर चीज। दिल्ली में तो यार थोड़ी दूर बाद धुंधला हो जाता है एकदम, इतनी गंदी एयर क्वालिटी है वहाँ पे। वापसी की टिकट इधर कहाँ धूप हो रही है भाई, ना तो धूप हो रही है ना बारिश हो रही है, बट स्टिल सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और ये हम लोग कहाँ गए, गरी कहीं तो थे यार अभी हम सुबह से, यहाँ पे आ चुके हैं ना हम शुक्ला, यहाँ आ चुके ना। अबे फवा वो बंद कर दिया रे, अब हम भूल भूलिया में चलते हैं ना, उधर साइड है ना। अच्छा तो मैं तेरे को वीडियो में ले रहा हूँ, भाग। वो देखो हमारे साथ ये भी आया, ये प्राणी भी तो देख लें आप लोग, इसका ही पेपर था, ये खो रहा है, रो गया, हो गया है बेचारा, परेशान हो गया है, पेपर अच्छा गया फिर भी परेशान हो गया है, परेशान इसलिए हो गया है क्योंकि अब इसे रिजल्ट की टेंशन है। नीचे नीचे तो अब हम वापस नीचे आ गए, यहीं पे झरना हो रहा था बट अब ये बंद कर दिया है, अब ये बंद हो गया है, लेट वेट हो गए हम लोग। तो यही तो था अंदर का, अब इसके बाहर का मैं व्यू दिखा रहा हूँ तुम्हें कि बाहर का कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जिट कर, बंद कर दिया गेट अभी जैसे, तो अब हम बाहर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। आई होप आपने देखा होगा यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो था यहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा बना रखा है। आए थे तो ये हवा महल, थैंक्स टू टाइम यार हम लोगों ने मैनेज कैसे कर लिया, पता भी नहीं था। थैंक्स टू दिस पर्सन, क्योंकि इसकी वजह से टाइम ख़राब हुआ, वरना हम दो जगह विजिट करते कंफर्म था। बट जो लिखा होता वो तो होता ही है। सो चलो अभी बाहर चल के दिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या है। इस फोर्ट से उस गेट, ये वाला गेट तो जहाँ से लोग आ रहे हैं बाहर, यहाँ से बाहर आ गए हैं। एंड मैं तुम्हें इस एरिया का व्यू दिखाता हूँ जहाँ पे ये है, काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं यहाँ पे, काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है। तो देख लो काफी बड़ा एरिया है, मैं थक गया यार। कहाँ है मेरे साथी, कहाँ गए, वो खड़े हैं उधर खड़े हैं, गंजे दोनों गंजे उधर खड़े हैं। तो चलिए जल्दी मेरे पास से चलते हैं। मैं क्या सुबह मोटा सा काला सा है, उसका इतनी सुंदर लड़की है, तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है तेरे को तो, ज़्यादा होता होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है, उसको सबसे ज़्यादा होता है। देखो दूसरों से जलो मत, दूसरे की बराबरी करो। कोई इतनी सुंदर लड़की और ऐसे पता नहीं यार वो बंदा था क्या था, वो अंकल थे वो यार, घूम रही अच्छा लगता है, दुख होता है वो हम जैसे लोगों को। हम मैं नहीं उसमें बेटा, सबसे ज्यादा तो लगता है मैं नहीं उसमें, बता नहीं रहा है, मैं नहीं उसमें, वीडियो बाद में बताएगा, मुझे पता है मैं नहीं हूं। हां मेरे को कभी दुख नहीं होता कोई किसी के भी साथ बेटा, वीडियो में बता नहीं रहा, तूने बताया था मुझे, बहुत दुख बहुत होता है,
अपने हिसाब से बता रहा है गाइस। ओ भाई यहाँ से हम बाहर आ गए, मार्केट का प्लेस को मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा तो हेरिटेज प्लेस है। यहाँ से अंदर जाते हैं, मतलब हवा महल है। अरे तू एकदम, ये देखो ये रहा हवा महल अंदर। पर ये यहाँ की यार मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार, मतलब काफ़ी हरी भरी और एक ही कलर की है सबसे बड़ी बात, पिंक पिंक टाइप ऑफ ऑरेंज कलर की है, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अच्छा मेरे को पता है किसी ने अभी जब हम हवा महल में, तो बताया था कि रात में भी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है, मतलब लाइटें वाइटें लग जाती हैं तो लाइटें जल जाती हैं, तो इसी चक्कर में हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, मतलब अभी टाइम भी है और इसीलिए रुक गए हैं यहीं पे कि देखते हैं कि मतलब कैसा लगता है यहाँ बैठे हुए हैं दोनों, और मतलब देखेंगे कि कैसा होता है यहाँ की बसें। सबसे बड़ी बात यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पिंक ही कलर की है, बस हो, ऑटो हो या ई रिक्शा हो। तो तुम लोगों को यहाँ का व्यू देखना चाहिए यार, लाइटें वाइटें जल गई, बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और यहाँ पे ना ये बस जो है ना पिंक कलर की चलती है, और ये इसी 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 बाउंड्री के पीछे हवा महल है, मतलब इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो एरिया ना ये मुझे चांदनी चौक की याद दिला रहा है दिल्ली वाले, बट ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है चांदनी, क्योंकि यहाँ पे दुकानों के नाम वाम लिखे हुए हैं। इसकी फोटो खींचनी है मुझे, देख लो यार बहुत ज़्यादा औसम व्यू है, लाइट वाइट जली अभी बिल्कुल जस्ट अभी जली, और मैंने देखा तो काफ़ी सही लग रहा था यार, मतलब वो देखो पिंक चिड़िया भी बोलते हैं, लेकिन ये ऑरेंज इसलिए हो गया कि बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से जितने भी मोनूमेंट्स हैं सब ये ऑरेंज दिखने गए हैं, बाकी इसे पिंक चिड़िया बोलते हैं अभी भी, ये पहले बहुत पिंक थी, ये बारिश की वजह से ख़राब हो गया और मोनूमेंट के ऑरेंज हो गया, ये कारण है। पर जी झूठ बोल और बाकी ये अफवाह है कि इसे ऑरेंज सिटी बोलते हैं, इसे पिंक सिटी ही बोलते हैं, इसीलिए मैं तो बारिश वारिश हुई तो शायद कलर गया है पता नहीं, लेकिन शायद गया है। हाँ ऐसे ट्रेन की वजह से हुआ है सब कुछ, बाकी पहले पिंक शीट पिंक पूरा पिंक था। वैसे यहाँ पे बसे बसे भी पिंक कलर की चलती हैं, ऑटो भी ज़्यादातर पिंक कलर की हैं, और जितने भी ज़्यादातर मॉन्यूमेंट है उसमें यूज़ किया गया पिंक कलर को, मतलब दुकानें ऐसी कलर की गई हैं, बंदर अंदर पिंक है, हर चीज़ पिंक है यहाँ पे, बंदर ही पिंक है, बंदर अंदर पिंक है, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं यार। हमें भी दिल्ली में भी ये करना चाहिए, दिल्ली को वाइट सिटी करना चाहिए, दिल्ली में हर जगह वाइट 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 कर दो। रात को जयपुर की गलियों में घूम रहे हैं हम लोग, कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त यार, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, इसलिए अपने आप मन कर गया कि यार चले। अपने कहने तुलना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन चांदनी चौक से आ रहा है। हाँ ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे चांदनी चौक से दिल्ली के, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि लाइटिंग हो गई। यहाँ पे क्या है ना कि जो दुकान के मालिकों के नाम वहाँ बाहर लगे हैं, मार्बल पे लगे लिखे हैं, मैंने तुम्हें दिखाया, बट यार चांदनी चौक तो सही में चांदनी चौक तो चांदनी चौक है यार, वहाँ के अलग मजे हैं, बट ये तो व्यू बहुत तगड़ा लग रहा है, मतलब इस व्यू ने मजबूर कर दिया कि हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। भैया व्यू दिखाओ पहले दर्शकों को। हाँ दर्शकों अब तुम व्यू तो देखो, मैं लिख दूँ ना मतलब कड़े कर दी, भावना भावना में निकल जाता है। ये देखो जैसे दुकानों के बाहर जो नेम प्लेट सी लग रही है ना, ये इनके नाम है,
दुकान के मालिकों के। और कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल जितने भी मंदिर वंदिर है उसमें भी लाइटिंग हो रखी है, मतलब पूरा एरिया जैसे दिवाली वाला फील। अब इसने मुझे कान में बोला है कि आपको कोई जरूरी सूचना देना चाहता है। हाँ, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग जयपुर घूमने आए, तीन से चार दिनों का कम से कम टाइम लेके आए, क्योंकि 3 से 4 दिन आपको पूरा लग जाएगा पूरे जयपुर में घूमने के लिए। इतने किले हैं यहाँ पर, इतनी जगह घूमने के लिए कि आप एक दिन में घूम ही नहीं सकते। और ये तरीके से यही गलती हमने करी, हम लोग आज सिर्फ एक दिन का टाइम लेके आए। अरे हमें पता होता ना ऐसा कुछ होगा, हम पक्का 3-4 दिन का टाइम लेके आते। बहुत कुछ है यार यहाँ पे घूमने को, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस। आप 3-4 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना इनफ है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, उन्हें कॉन्टेक्ट करें, इन्हें करें जो खुद ये बात याद नहीं रख पाए कि 5 बजे 5:30 बजे जो हम एयरपोर्ट है वो बंद हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो ये देखो कि तो ये जयपुर की गलियां हैं गाइस, हवा महल के आसपास के एरिया है, काफी ज्यादा ऑसम है। ओ भाई, और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ दिवाली पे ऐसा नहीं रहता, ये हमेशा ऐसा रहता है। जहाँ तक मुझे बताया है लोगों ने, उन्होंने कबूतरों ने यही बताया कि ये ना हमेशा ये ऐसा रहता है। तो हमारे एरिया में तो क्या होता है, दिवाली पे ऐसा होता है, उसके बाद कुछ दिन बाद मतलब छठ वट के बाद ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, वो दुकान देख रहे हो कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। गूगल मैप देखो यार, चेक करो कौन कहता है भाई। एक बात, तो अब हम ना सीधा ट्रेन में मिलेंगे, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे थोड़े मजे करेंगे। तो आप देख लिया होगा, मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ, ताकि आप लोग आओ तो घर से निकलो तो इसीलिए। बाकी दो शब्द हो गए, थैंक यू, अमेजिंग। हम लोग जयपुर रेलवे स्टेशन आ गए हैं, एंड यहाँ से अंदर जाएंगे, चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया हैं, ताल तो भोपाल ताल और सब। ये जो है सबसे बढ़िया लग रहा है, रेलवे स्टेशन पे होना था। तो चले अंदर चलना, ये देखो टाइट। जैसा कि आप लोग देखे हैं अभी आप लोग क्या देखे हैं, चल रहा है वीडियो। हाँ, अभी आप लोग ये देखे हैं कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, अब यहाँ से हम लोग सीधा दिल्ली उतरेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ का किलोमीटर का अलग हिसाब है, पता तुम्हें? यहाँ 500 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, पता नहीं क्या ही हिसाब है भाई। हमें बोला गया 4 किलोमीटर है यहाँ से रेलवे स्टेशन, और वो दिल्ली में तो 4 किलोमीटर पता भी नहीं लगते यार, एकदम जुप ऐसे खत्म। और यहाँ बहुत पता नहीं, एक राज आया था अंकल, मुझे 6 गोलगप्पे खिलाए थे। ये देखो गाइस, मतलब हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए, यहाँ के गोलगप्पे को ना पतीसा ऐसा कुछ कहते हैं। अंकल ने मुझे 6 गोलगप्पे खिलाए लेकिन गिरे 5 से। ये देखो एक का गेम कर रहा है, शर्म नहीं आ रही उसको, बिल्कुल भी नहीं आ रही, गोलगप्पे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। हाँ अच्छे थे गोलगप्पे, तो हर जगह खाता हूँ यार मैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इसको भी अच्छे लगते हैं हमारे भैया। सो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर गाड़ी आ रही है हमारी, और चल रहे हम लोग, मजे आ रहे हैं। ट्रेन के सफर के अलग मजे होते हैं यार, और हम लोग चाहते तो गाड़ी से आते हैं, बट थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए किया था ये, ताकि थोड़ा क्या गंदे रिएक्शन दे रहा थे, थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा तो मजा आ जाता। तो अभी ट्रेन का थोड़ा अलग एडवेंचर हो जाएगा। ओके सो दोस्तों, हमारी ट्रेन आ गई है बोरी पीछे, और यहाँ तक था जो था वीडियो में, मतलब अब तो बस ट्रैवल है यार। देखो मज़ा तो बहुत आया, मज़े की दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम कम पड़ गया था, मतलब एक ही दिन में नहीं, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि हमने भी सोचा था 2-3 जगह घूम लेंगे एक दिन में, बट ऐसा हुआ नहीं। जगह तो बहुत अच्छी है,
जैसे कि आपने देखा ही है वीडियो में। मुझे लगता है कि टाइम कम पड़ा, लेकिन अगर हम एक घंटे पहले भी आए थे ना तो भी हम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं घूमने के लिए। तो कुल मिला के अगर जब भी जयपुर घूमने आओ, ट्रिप बनाओ, 3 से 4 दिन का मतलब यहाँ का बजट बना के आओगे, 3 से 4 दिन रुकना है यहाँ पर तो रुकना है, तभी पूरा जयपुर अच्छे से घूम पाओगे और ऐसा घूमोगे घुमा दे। तो थैंक यू यार जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा। हाँ, और बाकी हाँ, उस पहाड़ की चोटी पे जाने के लिए ना जब भी जाओ मुझसे पूछ लेना कि वहाँ दिक्कत क्या है, वहाँ जो खतरा है ना बताऊँगा क्या है। वो एक अलग खतरा है जो हमने बताया नहीं है, जो इसको पता है, मेरे को भी नहीं पता वो खतरा क्या है, इसको ही पता है, पता नहीं इसको क्या बताया उन लोगों ने, जो भी है। पर वो पहाड़ बहुत अच्छा था, कभी भी टोंक में जाओ तो टोंक में वो पहाड़ दिख ही जाएगा, जाना जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहें और वीडियो देखते रहें। बाय। सफ़र आवाज़ नहीं आ रही है।